हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी लड्डू। और ये वाले जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हम ना तो घी का यूज़ करेंगे, ना ही चीनी का, और ना ही इसमें आपको कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम ये लड्डू बनते हैं और इनको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए फिर ये बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने गैस का फ्लेम कर दिया ऑन, और एक भारी तले वाली अपने कढ़ाई या बर्तन ले लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी चावल का आटा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी मेज़रमेंट लेनी है, नाप लेना है इसका, वो सारा हमने एक कप या कटोरी से लेना है। तो कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। तो अभी हम गैस के कम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो चावल के आटे को हमने भूनना है, वो गैस के कम फ्लेम पे भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करना, नहीं तो आटा जल जाएगा और इसमें जो कच्चेपन का फ्लेवर रह जाएगा, कच्चा ये रह जाएगा। तो आपने इसी तरह से इसको गैस के कम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। जब हम गैस के कम फ्लेम पे आटे को भूनते हैं ना, तो इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होता और आटा भी है जो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। और चावल का आटा जो बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावलों को अच्छी तरह से धोकर एक बार उसको सुखा लेना, और उसके बाद उसको ग्राइंडर में पीसकर 2-3 बार आप छलनी से छान लेना, तो उससे भी चावल का अच्छा आटा जो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, चावल के आटे को भूनते हुए मुझे जो 7 से 8 मिनट के करीब हो गए हैं और इसका हल्का सा जो कलर है चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये मैंने दूध की मलाई ली है, जो हम दूध गर्म करके फ्रिज में रखते हैं ना, उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, वो हमने मलाई लेनी है। और जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से आधी कटोरी हम इसमें डालेंगे मलाई की। तो पहले हम इसमें 3 से 4 चम्मच मलाई डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। एकदम से आपने सारी मलाई इसमें नहीं मिलानी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जाएंगे। तो अभी ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम आपने कम ही रखना। तो मलाई डालने से क्या होता है, हमें इसमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और मलाई की वजह से आपको इसमें जो मावा या खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा इसका मलाई की वजह से एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो अभी हम बाकी बची हुई जो मलाई है वो भी इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी मलाई है जो इसमें डाल दी है। तो अभी हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। अभी मिक्सचर काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन मलाई की वजह से इसमें काफ़ी मॉइस्चर आ जाता है। और ये 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पॉपी सीड्स, जिसको खसखस या पोस्तो भी बोला जाता है। और थोड़े से हमने इसमें डाले हैं बारीक कटे हुए बादाम, और खसखस इसमें आपकी चॉइस, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको डालने के बाद भी हम इसको 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो टोटल हमें जो आटा भूनने में ही है 10 से 12 मिनट के करीब लग गए हैं। तो अभी भी हम गैस के कम फ्लेम पे इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए, अभी आटे में जो काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है, ये देखिए अभी ये मिक्सचर बहुत ही खिला खिला सा हो गया। तो अभी हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, और इसको मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया इस, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपने। और फिर हम इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी शक्कर, यानी जो गुड़ पाउडर आता है वो। आप चाहें तो इसमें गुड़ को बिल्कुल क्रश करके, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब इसमें गुड़ पाउडर या गुड़ डालना है, तो ये मिक्सचर हल्का गर्म ज़रूर होना चाहिए। तो अभी हम इसको हाथों से एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपको लगता है कि मिक्सचर सूखा है, अभी हम इसके लड्डू बांध कर देखते हैं लड्डू बन रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे, मिक्सचर थोड़ा सूखा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है वो भी इसमें डाल सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, जब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिला रहे हैं, तो अभी हम इसके एक बार लड्डू बनाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, लड्डू हैं जो ईजिली बन रहे हैं। हमें मिक्सचर सूखा ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब हाथों से आप ऐसे उसको बनाओगे तो लड्डू बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। तो ये हमने है जो इसका 1 लड्डू बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे लड्डू हैं जो वो भी बना लेंगे। और ये वाले जो लड्डू बनते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं।
तो इसी तरह से हम जो बाकी सारे लड्डू हैं वो भी तैयार कर लेंगे। तो ये एक लड्डू हमने इसका और इसी तरह से बना लिया। तो बाकी सारे लड्डू हैं ये मैंने तैयार कर लिए हैं, और अभी मैं इसको एक आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी हम एक लड्डू है जो वो तोड़ लेते हैं। ये देखिए है ना, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम लड्डू ये। तो बताइएगा मुझे आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक।